हेलो गाइस, वेलकम टू गुड दिशा शो। आज आपके लिए हम एक हर्बल टी लेकर आए हैं जिसे आयुष क्वाथ भी कहा जाता है। ये हमारी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा रिकमेंड किया गया है COVID-19 के लिए। कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो भी इस काढ़े को लेगा उसकी इम्यूनिटी है जो वो बूस्ट हो जाएगी, मीन्स वो बढ़ जाएगी। जो भी उनको रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरह की डिजीज़ आपको नहीं होगी। तो गाइस देखते हैं कि ये कैसे बनती है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर COVID-19 टू बूस्ट आर इम्यूनिटी। इसके कंटेंट्स क्या हैं? आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं 4, 2 पीस दालचीनी के, 2 पीस सौंठ के। गाइस सौंठ क्या होती है? जब अदरक सूख जाती है हमारे घर में उसे सौंठ बोला जाता है। ब्लैक पीपर, काली मिर्च को बोलते हैं, उसका एक दाना लेना है। मुनक्का, किशमिश 4 लेनी है। इन पांचों चीज़ों को लेकर गाइस हमने बॉयल करना है। तो आइए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि यह हर्बल टी कैसे बनाई जाती है। आपके सामने देखिए ये 5 चीज़ें पड़ी हैं। दालचीनी, ये है 4 तुलसी के पत्ते, 4 किशमिश, 2 टुकड़े सौंठ के, 1 काली मिर्च। गाइस इन पांचों चीज़ों को हम एक गिलास पानी में उबालेंगे। उसके बाद उस पानी को काढ़े के रूप में बनाएंगे। अगर एक गिलास पानी है तो जब वो 1/4 रह जाएगा तब उसको हमने लेना है। देखिए गाइस कैसे करना है, आपके सामने मैं कर रही हूँ। इस बर्तन में मैंने ये एक पूरा गिलास जो आप देख पा रहे हैं इसको बर्तन में डाल दिया। इन सभी चीज़ों को इस पानी में डाल दिया। अब इस बर्तन को हम गैस पर रखेंगे। देखिए इसको हमने 10 से 15 मिनट बॉईल करना है। बॉईल होने के बाद जो हमने ये पूरा गिलास, ये गिलास हमने डाला था, तब ये गिलास का जब 1/4 हिस्सा जब रह जाएगा तब हम इसको छान देंगे। देखिए गाइस पानी गर्म हो रहा है। इस काढ़े को लेने से ये नहीं है कि सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मतलब हमें हर तरह के रोगों से बचाएगा। सिर्फ कोरोना वायरस ही इसके लिए नहीं है और ये हर उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं, बच्चों को भी आप इसे पिला सकते हैं। तुलसी जैसे कि आपको पता ही है ये एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, कोई इन्फेक्शन नहीं रहती है हमारी बॉडी में। देखिए पूरा बॉयल हो रहा है। जब ये पूरा बॉयल हो जाएगा गाइस तब हम इसको छान के एक गिलास में डाल लेंगे और इसके बाद हम इसको टेस्ट के अनुसार, इसमें हम गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर किसी को इस काढ़े का टेस्ट ना अच्छा लगे वो गुड़ डाल सकता है। गुड़ को इसी पानी में भी डाल सकते हैं या फिर नींबू डाल सकते हैं। कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है तो वो लोग गुड़ को डालें, लेकिन जिनको डायबिटिक हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो मीठे को बिल्कुल अवॉइड करें। वो नींबू रस को डाल के भी इसे और स्वादिष्ट बनाकर पी सकते हैं। तो गाइस ये हमने उबाल लिया है। इसके बाद जो पानी बना वो आपके सामने मैं ला रही हूँ। देखिए गाइस ये रहा, ये हमने पूरा गिलास लिया था। तो जब ये इतना गिलास रह जाएगा तब आपने इसको छान के पी लेना है। तो गाइस आपको पता लग गया होगा कि ये हर्बल टी कितनी उपयोगी है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और हम घर पे बैठे ही इसको बना सकते हैं। और ये कुछ ऐसे नहीं है कि हमने कोई घरेलू नुस्खा बनाया है, ये हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेड की गई है, जो कि सब लोगों के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि इसको पियो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं।
हर तरह से रोगों से बचें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके गाइस, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।